Hi guys, गुड मॉर्निंग। कल मेरे पास एक मैसेज आया, एक हाँ ये एक लेडी हैं, एक महिला हैं, इनका ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती हैं और इन्होंने ये बताया कि मानसिक रूप से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेरा शोषण होता है। मेरा ही नहीं, बहुतों का इन्होंने बताया कि मानसिक रूप से किस तरीके से बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं वो शोषण करते हैं। अब देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में रहें, वर्कलोड आप पे रहेगा, ठीक है, आप कहीं भी रहें, और जो वर्कलोड होता है उसको शोषण का नाम दे देना ये सही नहीं है। लेकिन ये जो मैसेज था इनका, उसमें इन्होंने वर्कलोड का जिक्र नहीं किया। वर्कलोड के अलावा जो इनके सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं वो इनको किस तरीके से मेंटली हैरेस करते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया था। अब मैं डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो वहां तक पहुंचेगा तो वो समझ में आ ही जाती है बात। खाली फिर किसी का नाम खराब करना ठीक नहीं है, बट बातें सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है। तो इनका ये कहना है कि मुझे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौकरी नहीं करनी है, मुझे टीचिंग पोस्ट में आना है, मुझे टीचर बनना है। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत ब्रिलियंट थी एक समय तक, लेकिन मेरे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, सही कोचिंग नहीं मिली, सही दिशा नहीं मिली, इसलिए जल्दबाजी में मैंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरते ही जो एग्जाम वगैरह हुआ उसमें मेरी नौकरी लग गई थी और मैंने ज्वाइन कर लिया था। पर सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से आज मैं बड़ा पछता रही हूँ और मैं वापस टीचिंग लाइन में आना चाहती हूँ, टीचर बनना चाहती हूँ और मेरे पास क्वालिफिकेशन पूरी है। आपका स्वागत है, आप पढ़िए। उन्होंने मुझे ये लिख के भेजा है कि वो कोचिंग हमारी ज्वाइन करेंगी और उनको हम पढ़ाएंगे। आपका स्वागत है, आप पढ़िए, खूब पढ़िए मेहनत से। जहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी सब्जेक्ट वाइज तो मैं पूरी मदद करूँगा। और भी बाकी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी मौजूदा जॉब से, मौजूदा जिंदगी से, तो वहां से उठने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ाई में होगा, बाकी आपको कहीं पत्थर उठा के नहीं रखने हैं, कोई भार नहीं उठाना है, कोई फिजिकल लेबर ऐसा आपको करना नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है। और अगर आप पढ़ने को तैयार नहीं है तो फिर ईश्वर भी आपकी, भगवान भी आपका मदद नहीं करेगा, भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे। तो पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको प्रॉपर बुक्स के बारे में पता हो कि किस किताब से आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब साइंस के रिगार्डिंग में अगर बात करूं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रिगार्डिंग, तो भाई एक ही टॉप पे 10-10 बुक्स हैं, तो आप किस बुक को पढ़ेंगे? घूम फिर के बात वही आ जाती है ना फिर। तो हम क्या करते हैं, जब हम अपनी कोचिंग में पढ़ाते हैं तो हम 2-4 बुक्स पढ़े हुए लोग हैं। मतलब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स की मैंने कम से कम 4-5 बुक्स अलग अलग पढ़ी हैं। तो उन बुक्स में जो सेम कंटेंट होता है वही हम आप तक डिलीवर करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कंसेंसस कंटेंट, राइट। तो ऐसे कंटेंट हम आप तक कोचिंग में डिलीवर करते हैं जो ऑलमोस्ट ज्यादातर बुक्स में देखने को मिल जाए। इसके अलावा और भी ढेर सारी बुक्स हैं, तो बेहतर यह रहेगा कि आप कोचिंग ज्वाइन करिए। मेरा सभी को यह सलाह रहेगी, जितने हैं आप बुक्स खरीद के सेल्फ स्टडी इन चक्करों में अब मत उलझिए, बेहतर है कोई भी कोचिंग ज्वाइन करिए। अपने घर के अगल बगल आसपास, अपनी पहचान वाले या अपने सीनियर्स
जो भी हैं उनको ज्वाइन करिए, और अगर आपको वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन कोचिंग हमारे पास ज्वाइन करिए, हम आपको पढ़ाएंगे एक स्टैंडर्ड बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड साइंस केमिस्ट्री आपको हम पढ़ाएंगे। अब हमारी कोचिंग में देखिए बहुत, अब मेरे पास देखिए जब यहाँ जो बैच चलते हैं ऑनलाइन बैच, उसमें ऑलमोस्ट मैं पैसे नहीं लेता हूँ उन लोगों से जो वाकई में जिनको मदद की ज़रूरत है। और एक बार जब उनका इनरोलमेंट हो जाता है तो मुझे उनका नाम भी याद नहीं रहता, तो जब मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ ऑनलाइन बैच में तो मुझे पता नहीं होता है कि किसने पैसे दिए हैं, किसने फीस पे की है और किसने फीस पे नहीं की है। तो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो जब आप लोग ज्वाइन करते हैं हमारी कोचिंग तो आप लोग देखिए मुझे मैसेज बहुत भेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज भेज रहे हैं। मैं सभी से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा ना, जब आप ये बात करते हैं कि सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो मुझे उसके साथ ना थोड़ा अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड लिख के ज़रूर भेजें कि मेरे फादर का नेम ये है, मेरे फादर ये हैं और मेरी मदर ये है, मैं इस गांव का हूँ या इस गांव की हूँ और मेरी एजुकेशन इतनी है। कम से कम इतना आप ज़रूर लिख के भेजिए तो मेरे लिए ना पढ़ने में आसानी होती है। जैसे हमारे पास, मैंने ये सोचा था कि इस बार हम जो रखेंगे वो 50 सीट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। कम से कम 50 बच्चे ऐसे हों जो जिनसे हम पैसा ना लें। तो हमारे 3-4 बैच हैं उन सब में मिला के 50 हमारे पास वो कोटा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग का ये फायदा होता है कि हम एक और नया बैच इसमें शुरू कर देंगे। तो अगर जिस किसी को भी लगता है कि वो हमसे पढ़ना चाहता है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उसको अलाउ नहीं करती पढ़ने के लिए आम कोचिंग सेंटर्स में जहां बड़ी बड़ी फीस होती है, तो वो हमसे आके जुड़े, हम उसको पढ़ाएंगे। मैं तो पढ़ाऊंगा, मुझे तो बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, तो मैं बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। और वो जो सक्षम है, जिनको पढ़ना है, हमसे पढ़ना है, वो भी आके हमसे जुड़े, उनको उनसे हम फीस ज़रूर लेंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में एक डेमो क्लास अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। तो वो डेमो क्लास आप पूरी देखिए, 40-45 मिनट की डेमो क्लास है, वो वीडियो को आप पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए शुरू से एंड तक, और उसके बाद आप लोग डिसाइड करिए कि क्या आप लोगों को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, आप हमको मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप पे, हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ेंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको एडमिशन की डिटेल्स वगैरह हम बताएंगे। तो जो कैंडिडेट मान लीजिए फीस ना दे पाने में, मतलब फीस दे पाने में असमर्थ हैं, तो वो उनसे हम 1-on-1 डिस्कशन करेंगे मैसेज में, जिसके बारे में किसी थर्ड पर्सन को कुछ भी पता नहीं होगा और मुझे भी नहीं पता होता है, क्योंकि देखिए इतने हजारों मैसेज में ना मुझे नाम याद रहते हैं ना मुझे नंबर याद रहता है। बस एक बार जस्ट आपसे डिस्कशन होगा हमारा, उसमें आप लोग बताएंगे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, मैं ये हूं मैं वो हूं, तो हम आपको फिर एक ऐप में टीच मिंट नाम की एक ऐप होती है, उसमें हमारी क्लास चलती हैं, वहां आपको ऐड करेंगे और फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये बीते दिनों जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो उस टीच मिंट ऐप पे अवेलेबल हैं, तो आप वो रिकॉर्डिंग भरपूर जितना चाहें उतनी बार देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो रिकॉर्डिंग देखिए, अपने नोट्स बनाइए, तैयारी करिए। अभी मेरे पास सुबह एक मैसेज आया, मैं एक बड़ा अच्छा मैसेज आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया मैसेज आया है। एक मिनट, ये मोबाइल पे मैसेज है।
बहुत छोटा सा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज नहीं है। प्रणाम सर, मुझे भी क्लास ज्वाइन करनी है 2027 के लिए, मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं। तो देखिए अभी चल रहा है 2024, सोच देखिए उसकी कि 2027 तक मैं कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊंगा। मैं लिख के देने को तैयार हूं, लिख के स्टैम्प पेपर में लिखवा लीजिए कि ये लड़का, ये अगर आज चाहे कि आईएएस बनूंगा तो ये 2027 तक आईएएस बन जाएगा, भले ही ये कहीं पढ़े, किसी से पढ़े। उसकी वजह ये है कि इसके दिमाग में अभी से प्लानिंग है, ये प्लान्ड है, वेल प्लान्ड है बिल्कुल। देखिए 2027 की इसने 2024 में सोच लिया है। आजकल के लड़के लड़कियों को ये नहीं पता कि अगले घंटे हमारे साथ क्या होगा, अगले घंटे की प्लानिंग नहीं पता रहती। वहां ये जो छात्र है, जो कैंडिडेट है, ये 2027 की प्लानिंग करके चल रहा है कि मुझे लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है। तो मैं स्टैम्प पेपर में साइन करके देने को तैयार हूं कि ये बन जाएगा, आप ये समझ लीजिए। और ऐसे ही बनते हैं। तो आपको ना थोड़ा सा प्लानिंग देनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि मैं आज कोचिंग ज्वाइन करूं, 6 महीने बाद पेपर दूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ना, बिल्कुल नहीं होगा। समय देना पड़ता है पढ़ाई को, इतनी आसान नहीं है पढ़ाई। आप तो 6 महीने पढ़ रहे हैं, जो पिछले 4 साल से 3 साल से पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, उनका क्या होगा, सोचिए ना। तो अगर आपको उनके 3 या 4 साल को पिछाड़ना है तो आपको दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो सेल्फ स्टडी से नहीं आएगी। सेल्फ स्टडी जो काम होता है वो ग्रेजुएशन लेवल तक रहता है, उसके बाद आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, चाहे आप किसी की भी तैयारी करें, तो कोचिंग की जरूरत आपको पड़ती ही है, उससे आप भाग नहीं सकते। ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होती है, करा होता है, तो उनको कोचिंग की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। बट जिनकी ग्रेजुएशन बहुत अच्छी नहीं रही होती है, परसेंट ग्रेजुएशन में आना एक अलग विषय है, राइट? लेकिन उसको डेप्थ में पढ़ना, ज्ञान लेना, ये एक अलग विषय है। कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस की बात नहीं है, लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, आर्ट्स के भी, और भी हिस्ट्री है, एसएसटी है, तो इन सब्जेक्ट्स में भी आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। बहुत देखिए, ऑनलाइन कोचिंग से आपको ये फायदा है कि आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। ठीक है, तो अभी तो हमारे नए बैच बन रहे हैं इस दौरान, लेकिन अगर आप मान लीजिए ये प्लान करते हैं कि अभी नहीं, मैं 2 महीने 3 महीने बाद ज्वाइन करूंगा क्लास या करूंगी, तो उस समय फिर आपको एंट्री देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। बीच बैच में एंट्री देना थोड़ा टफ होता है, तो फिर आपको फिर 1-2 महीने वेट करना पड़ेगा जब हम नए बैच स्टार्ट करेंगे। मेरे पास वेटिंग लिस्ट अभी है, समझ रहे हैं, करीब 20 या 25 जने वेटिंग लिस्ट में हमारे पास चल रहे हैं। एक बैच हमारे पास बन गया है, उसमें करीब 30 बच्चे हैं, उसमें 20 बच्चे और जोड़ने हैं हमारे, तो 20 बच्चे और जुड़ जाएंगे, तो 50 बच्चों का एक बैच चलेगा। ये नया बैच बना है, इससे पहले के 2 और बैच हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये जो नया बैच हमारा बना है, इसमें करीब अभी थोड़ी जगह खाली है, तो 20 बच्चे हम इनको जोड़ लेंगे। 20 के अलावा हमारे पास अभी थोड़ी सी वेटिंग, बच्चे थोड़ा इंतजार है। तो नया बैच जो हमारा बनेगा इसके बाद, प्रेजेंट बैच के बाद, उसमें आपको एडमिशन हम दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अभी से ही हमारे पास एडमिशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो हो सकता है वो बैच हम 1 हफ्ते में स्टार्ट कर दें, तो देर मत करिए प्लीज। और मुझे जब भी आप मैसेज भेजें, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी अपनी डिटेल्स लिख के मुझे ज़रूर भेजें, और पुराना डेमो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, और डेमो से आपको थोड़ा डेप्थ पता चल जाएगी कि किस तरीके इस मोडस हम क्या हमारा तरीका है पढ़ाने का, किस तरीके से पढ़ाई होती है ऑनलाइन, तो वो ज़रूर देखें। चलिए, थैंक यू।